Morning children, today I am going to teach you a new chapter in history. The name of the chapter is Rulers and Building. The construction of Qutub Minar was started by Qutubuddin Aibak in 1199 AD. Now looking at the surface of Qutub Minar, it is not smooth, it is curved and angular. Writing an inscription on this surface is very difficult task. Those who may have written inscription on such surface would have been very skilled craftsmen. Now we come to second paragraph. Between 8th and 18th centuries, the kings and their officers built two kinds of structures. One was for their own comforts like forts, palaces and garden residences, and other was for public activity like tanks, wells, temples and mosques. अब जो rulers, जो kings और officers जो होते वो दो type के structures बनाते थे. एक अपने सुविधा के लिए बनाते थे जैसे forts, palaces और garden residences, और एक लोगों के फायदे के लिए बनाते थे. ये लोगों की फ़ायदे के लिए बनाते थे जैसे टेंपल्स, मॉस्क, टैंक्स एंड बाजार्स. नाउ वी कम टू इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. बिटवीन 7th and 10th सेंचुरीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स वाज मेड इन ट्रेबिएट स्टाइल. अंडर दिस स्टाइल द रूफ्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज वर मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस वर्टिकल कॉलम. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. इन द 12th सेंचुरी The weight of superstructure above the doors and windows was carried by arcs. This style of architecture was called arcuate. अब 7th और 10th सेंचुरी के बीच में जो बिल्डिंग बनाई जाती थी वो ट्रेबिएट स्टाइल में बनाते थे. इसमें जो रूफ्स बनाए जाते थे डोर्स और विंडोज़ के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल बीम को प्लेस किए करके बनाए जाते थे वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर. 12th सेंचुरी AD में जो ऊपर वाली मंजिल का जो वेट होता था वो डोर्स एंड विंडोज के आर्क्स उसको कैरी करते थे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. बिल्डिंग टेंपल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. टेंपल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. दे वर मेंट टू डेमोंस्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पेट्रन. तो ये टेंपल्स एंड मॉस्क वो ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्ट किए जाते थे क्योंकि वो वहाँ पर लोग पूजा करते थे. इसके अलावा जो किंग्स और जो ऑफिस रूलर्स होते थे वो इसलिए भी कंस्ट्रक्ट करते थे टेंपल्स एंड मॉस्क क्योंकि वो अपनी वेल्थ और पावर दिखाने चाहते थे. नेक्स्ट पेज. द लार्जेस्ट टेंपल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. द अदर डीटीज इन द टेंपल्स वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ एलियंस एंड सबॉर्डिनेट्स ऑफ द रूलर. तो जो बड़े बड़े टेंपल्स होते थे वो राजा लोग बनाते थे लेकिन जो छोटी देवी देवताओं के जो टेंपल्स होते थे वो उनके सबॉर्डिनेट्स बनाते थे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. कंस्ट्रक्टिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद अ चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद द गॉड. तो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने से उनको ये मौका मिलता था रूलर्स को कि वो अपना रिलेशनशिप गॉड के प्रति दिखा सकें. अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो बिल्ड रिजर्वॉयर्स एंड टैंक्स फॉर ऑर्डनरी पीपल. इसके अलावा वो टैंक्स ऑर्डनरी कॉमन पीपल के लिए रिजर्वॉयर्स एंड टैंक्स भी बनाते थे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Whatever temples destroyed, the king built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attack one another's kingdom, they often target these buildings. तो जो kings थे जब एक दूसरे के kingdom पर attack करते थे तो temples में भी attack करते थे क्योंकि temples में बहुत ज़्यादा wealth होती थी. Now we come to next stage. Similarly, in the 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with statues seized from defeated rulers. इसी तरीके से जब चोला किंग राजेंद्र वन ने शिव टेंपल बनाया अपने कैपिटल में तो उसने वहाँ पे वो वाले स्टैचूज रखे जो वो अलग अलग रूलर्स से जीत के लाया था. इन द सेम वे मोहम्मद गजनी ऑल्सो अटैक सोमनाथ टेंपल मेनी टाइम्स एंड लूटेड लॉट्स ऑफ वेल्थ फ्रॉम सोमनाथ टेंपल. इसी तरीके से मोहम्मद गजनी है उसने भी इंडिया में भी कई बार अटैक किया था और यहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ लूट के ले गया था. नाउ वी कम टू गार्डन टूम्स एंड आर्किटेक्चर. द मुगल्स वर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर वॉज इंटरेस्टेड इन लेइंग डाउन गार्डन्स विच आर ऑल्सो नोन एज चार बाग. ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर द डोम्स एंड द टॉल गेटवेज बिकेम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर. तो जो मुगल्स थे उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत शौक था. जो उनका फर्स्ट मुगल एम्परर था बाबर उसको गार्डन्स बनाने का शौक़ था जिसको चार बाग भी कहा जाता था. और अकबर के टाइम पे डोम्स और गेटवेज मुगल आर्किटेक्चर में शामिल हो गए. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ शाहजहाँ ऑडियंस हॉल
वॉज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क. द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला, द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स एट प्रेयर. द आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय द आर्किटेक्चरल फीचर्स. अब जो उसका जो शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था वो बिल्कुल मस्जिद की तरह बनाया गया था. अब जिस पेडेस्टल पे उसका थ्रोन रखा गया था वो उसी डायरेक्शन में हुआ करता था जहाँ पे मुस्लिम्स वर्शिप करते हैं. इस तरीके से जो आर्किटेक्चरल फीचर्स जो बिल्डिंग्स में बनाते थे तो वो किंग को एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दिखाने की कोशिश करते थे. इन द सेम वे शाहजहाँ बिल्ट मॉन्यूमेंट नोन एज ताजमहल विच इज़ नोन एज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड. इसी तरीके से शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था जो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरीज देर वॉज ऑल्सो कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन्स. द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाई अनदर. जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी 8th और 18th सेंचुरी के बीच में तो उस टाइम पे जो डिफरेंट रीजन्स के लोग थे उनके बीच में आइडियाज भी अडोप्ट एक दूसरे के अडोप्ट किए गए. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेस इन फतेहपुर सिकरी. अब जो वृंदावन मथुरा में जो टेम्पल्स बनाए जाते थे वो उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए जाते थे जो जो मुगल का आर्किटेक्चरल स्टाइल होता था. इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स रूलर वेंड इन द 18th सेंचुरी द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनेज वर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय अदर रूलर्स. हालांकि जो उनकी जो पावर है वो कम हो गई थी मुगल्स की 18th सेंचुरी में, लेकिन जो उनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो आगे आने वाले रूलर्स ने भी कॉपी किया. सो दिस एंड माय चैप्टर. थैंक यू.